हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली मीनिंग मैनी एंड मियर मीनिंग यूनिट। तो पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, पॉली जिसका मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और मियर जिसका मतलब होता है यूनिट यानी कि इकाई, से मिलकर बना हुआ है। इसलिए पॉलीमर का मतलब हो गया बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ, बहुत सारी सिंगल इकाइयों से मिलकर बना हुआ। सो पॉलीमर कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन और बिगर मॉलिक्यूल। तो एक पॉलीमर जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम सब्सटेंस के, वो आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं या बड़े बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर ऑफ द नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड द सेलुलोज। इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है जो कॉटन जो एक नेचुरल फाइबर है वो सेलुलोज पॉलीमर का बना हुआ होता है, और ये जो पॉलीमर है इसकी जो यूनिट है, जो सिंगल यूनिट है यानी कि जो इसकी मियर है, वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलकर आपस में क्या बनाती है, सेलुलोज बनाती है, और वो सेलुलोज फिर हमारे क्या बनाता है, कॉटन का फॉर्मेशन करता है। द नेचुरल फाइबर ऑफ पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर। द नेचुरल फाइबर और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर, दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। तो जो नेचुरल फाइबर है या जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स, दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, इनको अलग अलग शेप में या सांचे में ढाला जा सकता है। द प्रॉपर्टी बाय रूट ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें किसी सब्सटेंस को मोल्डेड किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में, या वो प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग सांचे में ढाला जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। वेयर इज द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्लास्टिस, जबकि उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग मोल्ड में अगर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग मोल्ड में उसका फॉर्म करेंगे, तो उसकी उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहेंगे और उस सब्सटेंस को हम प्लास्टिक कहेंगे। केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर। जो केमिस्ट है या जो आप बोल सकते हो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट जो नेचुरल फाइबर उनको बनाना सीख लिया है। दे हैव लर्न टू कम्बाइन सिंपल मॉलिक्यूल इनटू द लॉन्ग चेन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल या पॉलीमर। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सीख लिया है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनको आपस में जोड़कर लॉन्ग बिगर मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, जिसको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, सो एज टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल फाइबर को बनाया जा सकता है। दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इस आर्टिफिशियल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस बाई विच आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मोलिक्यूल इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर को बनाने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं सिंपल से वर्ड में, और डेफिनेशन आपको लिखी है, द प्रोसेस बाई विच आर्टिफिशियल पॉलीमर्स या आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मोलिक्यूल इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर को बनाया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल से, उसको हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं, या द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन, ये भी आप बोल सकते हो। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मोनोमियर, द सिंपल मॉलिक्यूल इन द पॉलीमर इज कॉल्ड द मोनोमियर। पॉलीमियर का सबसे सिंपल या सबसे स्मॉल जो यूनिट होती है उसको हम मोनोमियर कहते हैं। पॉलीमियर मीन द प्रोडक्ट फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमियर इज कॉल्ड द पॉलीमर। तो वो प्रोडक्ट जो कि मोनोमियर के आपस में जुड़ने से बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। प्लास्टिक ए मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू द वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड द प्लास्टिक। ऐसा मटेरियल जिसको आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। वह प्रॉपर्टी जिसमें किसी मटेरियल को अलग अलग सांचे में ढाला जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक टाइप्स के फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर उसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे।
जिसमें जो सबसे पहले फाइबर है या आप आर्टिफिशियल फाइबर ही बोल सकते हो, वो है रेयोन। इसका कॉमन नेम या इसको नॉर्मल टंग में हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो रेयोन को बनाने की प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और एक रेयोन एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर है जो बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आपका रेयोन या आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम बोलते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि ये नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उनसे बनाया जाता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट सिल्क वाज डिस्कवर इन चाइना एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। तो हमने इसको 7th क्लास में पढ़ा है कि जो चाइना था उसने सिल्क को डिस्कवर किया था और इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक गार्ड करके और सीक्रेटली छुपा कर रखा गया था काफ़ी लंबे समय तक या टाइम तक। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वेयर वेरी कॉस्टली। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क जो कि सिल्क से बनते हैं या सिल्क से प्राप्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ द सिल्क फैसिनेटेड एवरीवन। लेकिन जो सिल्क का टेक्सचर होता वो सभी लोगों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। सिल्क को बनाने जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। लेकिन 19th सेंचुरी की एंड तक साइंटिस्ट थे वो सक्सेस हो चुके थे ऐसे फाइबर को बनाने में जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ऐसा फाइबर हमें मिला वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट कर या केमिकल रिएक्शन करवा कर। दिस फाइबर वाज कॉल्ड द रेयोन और आर्टिफिशियल साइकिल आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को रेयोन या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना गया, जैसे जाना जाता था। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयोन इज प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज। जो रॉ मटेरियल होता है रेयोन के प्रोडक्शन के लिए, उसमें या तो प्योर कॉटन लेते हैं या वुड सेल्यूलोज लेते हैं, यानी कि लकड़ी की जो सेल्यूलोज होती है उसे लेते हैं। रेयोन इज सम टाइम कॉल्ड द रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। रेयोन को कई बार रीजनरेटेड फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो बनाया जाता है वो नेचुरल फाइबर को मॉडिफाई करके ही बनाया जाता है। रेयोन इज़ नॉट ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज़ नेचुरल फाइबर। रेयोन एक ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, क्योंकि इसके जो नेचुरल जो रॉ मटेरियल है, जो इसका रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है। हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इट इज़ इंक्लूड इन टू मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो किस प्रकार जो प्रैक्टिकल पर्पज होते हैं या जो आप बोल सकते हो इसको फाइबर को बनाने के दौरान जो प्रैक्टिकल पर्पज काम में लिए जाते हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए या मैन मेड फाइबर को बनाने के लिए। इसमें हम रेयोन को प्रोडक्ट करने का या रेयोन को बनाने के कुछ स्टेप दिए हैं उसको पढ़ते हैं। प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज शॉक इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। जो प्योर कॉटन होती है सेल्यूलोज होती है उसको क्या किया जाता है, शॉक किया जाता है इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के 30% जो सॉल्यूशन होता है कास्टिक सोडा के, उसके अंदर इसको शॉक किया जाता है, क्या आप इसको बोल सकते हो, उसको डबोया जाता है, उसके अंदर डिप किया जाता है फॉर 3 आवर्स। द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म्ड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। कास्टिक जो सोडा होता है, कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन होता है उससे फिर आपके इस प्रोडक्ट को ध्यानपूर्वक हटाया जाता है और इसको जेंटली क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है विथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द सेल्यूलोज जेंथिनेट। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम फिर सेल्यूलोज जेंथिनेट के नाम से जानते हैं। सेल्यूलोज जेंथिनेट इज अगेन डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। सेल्यूलोज जेंथिनेट को फिर से वापस से कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है व्हेन इट फॉर्म अनदर प्रोडक्ट कॉमनली कॉल्ड द
विस्को सॉल्यूशन, जहाँ पर एक अनदर प्रोडक्ट बनाता है जिसको सामान्य भाषा में विस्को सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। दिस सॉल्यूशन इज़ केयरफुली फिल्टरेड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इस सॉल्यूशन को फिर ध्यानपूर्वक फिल्टर किया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटी हो, इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटी हो, उसको हटाया जा सके। द विस्को सॉल्यूशन इज़ देन स्लोली पास थ्रू द स्पिनर प्लेस इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। विस्को सॉल्यूशन को फिर स्पिनर्ट से गुजारा जाता है, जहाँ पर इसे सल्फ्यूरिक एसिड से नहलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की इस पर बारिश की जाती है। द विस्कस हार्डनेस टू फॉर्म ए वेरी फाइन फिलामेंट। विस्कस जो होता है वो हार्डनेस होकर क्या बना लेता है, वेरी फाइन फिलामेंट बना लेता है। द फिलामेंट इज देन वॉन्ड ऑन स्पॉन, और देन इस फिलामेंट को क्या किया जाता है, इसको रील किया जाता है, या इसको आप बोल सकते हो इसको रीलिंग का काम किया जाता है। तो ये था रेयन को बनाने की प्रोसेस। यूज ऑफ रेयन हम पढ़ लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वूवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर, दे हैव ए फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क। फॉलोइंग आर द यूज ऑफ रेयन, तो रेयन के यूज निम्नलिखित दिए हुए हैं। लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रेयन आर यूज फॉर मेकिंग द रेन फोर्स ऑटोमोबाइल टायर्स। तो लॉन्ग फिलामेंट जो रेयन के होते हैं उनका यूज किया जाता है जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कि गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, उनके टायर बनाने में। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ वूल इन मैन्युफैक्चरिंग द कारपेट्स। कारपेट्स को बनाने में क्या किया जाता है, रेयन जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम हमारे और आर्टिफिशियल जो फाइबर है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।